अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे क्रिस्पी बिस्किट, जिसके लिए मैंने लिया है 1 कप मैदा। इसके बाद मैंने 1 कप लिया है आटा, ये मैंने सफ़ेद आटा लिया है, आप गंदम का आटा भी ले सकते हैं। और इसके बाद मैंने लिया है 1/2 कप चीनी, पिसी हुई है ये व्यूअर्स, आपने इसको पीस के इस्तेमाल करना है बिस्किट में। इसके बाद मैंने ये 1/2 कप मक्खन लिया है, आप इसमें डाल्टा घी भी इस्तेमाल कर सकती हैं, देसी घी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये अब मैंने लिया है, थोड़े से अखरोट लिए हैं पीसे हुए, बारीक कटे हुए। व्यूअर्स आपने ध्यान रखना है, इसमें आपने वो ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, बाकी आपने इसको ऐसे ही, ना इसमें पानी डालना है ना दूध डालना है, सिर्फ देसी घी, मक्खन या आप ये ले सकती हैं डाल्टा घी, ऑयल आपने इसमें नहीं डालना। अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसका हम पेड़ा सा बना लेंगे, जिस तरह हम आटा गूंथते हैं हम इस तरह इसको गूंद लेंगे। व्यूअर्स अगर आपको ज़रूरत पड़े, मैं इसमें थोड़ा सा मक्खन और ऐड कर रही हूँ, तो आप इसमें थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं। देखें व्यूअर्स, मैंने इसमें थोड़ा सा मक्खन और ऐड किया है, ताकि ये अच्छे से इसका जो है वो पेड़ा बन जाए। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम बिस्किट बनाएंगे इसके, ऐसे करेंगे इसको, इसको गोल शेप करेंगे। आप चाहे तो चोर्स भी बना सकते हैं। ऐसे कर लेंगे हम, देखिए व्यूअर्स मैं इसको थोड़ा मोटा रख रही हूँ बिस्किट को, आप थोड़े से पतले भी ले सकते हैं, मैंने क्रिस्पी बिस्किट बनाने हैं तो थोड़े से मैं मोटा करूँगी, तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से भी इसकी शेप कर सकते हैं। मैंने इसकी गोल शेप ही रखूँगी इसकी, आप इसके चॉर्स या चकोर कोई भी जो भी आपको पसंद हो आप इसकी वो शेप बना सकते हैं, मैं इसको गोल में ही रखूँगी। देखें, अब हम मैं दोबारा इसको बनाऊंगी, आप इसको मोटा या बारीक भी कर सकते हैं, मैंने क्रिस्पी बनाने हैं इसलिए मैं इसको थोड़ा मोटा रख रही हूँ। व्यूअर्स ये हमारे बिस्किट जो हैं तकरीबन हल्की आंच पे हम इनको बनाएंगे, बगैर ओवन के हम इसको बनाएंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, पहले से 10 मिनट जो है वो कढ़ाई में जो है वो हल्की आंच पे आपने रख देनी है, उसमें छन्नी डाल के, कढ़ाई में छन्नी डाल के उसके ऊपर ढक्कन दे के उसको आपने हल्की आंच पे गर्म होने के लिए रख देना है, ठीक है।
ये देखें अब हमने इसको बना लिए हैं सारे बिस्किट। इसके लिए ये मैंने बटर पेपर, मेरे पास नहीं था तो मैंने इसको नोटबुक का पेपर लिया है, उसके ऊपर मैंने ऑयल लगा लिया इसको अच्छे से। तो आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। ये देखें व्यूअर्स, अब हम इसके ऊपर हल्का हल्का कट लगा देंगे की खूबसूरती के लिए। सबके ऊपर ऐसे हम कट लगा देंगे। देखें देखें व्यूअर्स, अब हमने इसको कट लगा दिया है सबको। अब हम इसमें दूध लगाएंगे। दूध लगाने से क्या होता है कि क्रिस्पी क्रिस्पी जो वो होती है, क्रिस्पीपन जो है वो आ जाता है, और इसका जो कलर है वो भी बहुत अच्छा आता है। ठीक है, अब हम इस पर जो है दूध लगाएंगे रुई के साथ। ये देखें मैं इस पर ऐसे दूध लगा रही हूँ, इससे जो आप बिस्किट का कलर है वो बहुत ही अच्छा आएगा और ऊपर से क्रिस्पी भी हो जाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको दूध लगा दिया है। अब मैं इसके ऊपर थोड़े से बादाम रखूंगी पिसे हुए। आप इसकी जगह चीनी भी रख सकते हैं, चीनी रखने से कुरकुरे सी वो लुक आ जाती है, बहुत मज़े की लगती हैं वो भी। ये देखिए अब हमने इसको रेडी कर लिया है। अब हम इसको इस तरह कढ़ाई में रख देंगे। ये हमने पहले से गर्म करने के लिए रखी हुई थी, हमने इसको ढक दिया है। तो ये लीजिए व्यूअर्स, अब हमारे ये क्रिस्पी बिस्किट तैयार हैं। ये देखें बहुत ही मज़े के बिस्किट बने हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।